हम लोग एफर्जन 17 में पढ़ते हैं कि फिजिशियन का सोल एम क्या होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब क्योर इफेक्ट करने के लिए क्योर कैसे करेंगे तो हमें सारे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम परफॉर्म करना चाहिए। तो लिखा नहीं था क्या कि क्योर इफेक्टेड बाय रिमूवल ऑफ द होल द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज, द इंटरनल अल्टरेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी टू विच द डिजीज इज ड्यू। हमें सारे इंटरनल चेंजेस को हटाने हैं जिसकी वजह से डिजीज आई, स्लैश करके क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द होल ऑफ डिजीज, मतलब हमें डिजीज को पूरी तरह से रिमूव करना है। फिर स्लैश करके क्या लिखा है, इज एट द सेम टाइम रिमूव, और उसी टाइम ये चीज क्या होनी चाहिए, रिमूव हो जानी चाहिए। जो इंटरनल फिनोमेना डिरेंजमेंट का चल रहा है, वाइटल एनर्जी का चल रहा है, वो भी रिमूव हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो इसका जो फुटनोट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे सिर्फ और साइन सिम्टम हम क्या देखते हैं, जो पेशेंट अपने सिम्टम बता रहा है, उसे दर्द हो रहा है, उसे स्टिचिंग पेन हो रहा है, या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या फिर उसे लग रहा है उसके हाथ पैर भारी हो गए हैं, तो ये सब उसके सिम्टम हो गए, सब्जेक्टिव सिम्टम। या फिर जो चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज ए फिजिशियन कि उसके ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है या फिर साइनस हो रही है, ये सारे साइन और सिम्टम ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नली हम परसीव कर रहे हैं। बट जो वाइटल एनर्जी, जो इंटरनली डिरेंजमेंट हुआ है वाइटल एनर्जी का, वो भी तो ड्रीम फॉर्म में दिखेगा, उसके थॉट प्रोसेस में भी दिखेगा, उसके माइंड विल और इंटेलेक्ट में भी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो वो सारी चीजें भी ठीक होनी चाहिए। मतलब सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम पेशेंट का क्योर कर रहे होंगे, एज इफ द क्योर इफेक्टेड बाई रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द साइन एंड सिम्टम, जब डिजीज के सारे साइन और सिम्टम हटा रहे होंगे, जब इंटरनल जो डिरेंजमेंट हुआ है वाइटल एनर्जी का उसे पूरी तरह से ठीक कर रहे होंगे, तो पेशेंट के अंदर कोई भी ड्रीम नहीं आना चाहिए। किस तरीके की ड्रीम, ऐसे ड्रीम जो कि डरावने हों, सुपरस्टिशियस फैंसी नहीं आने चाहिए, कोई डिल्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, सोलेमन प्रिडिक्शन उसको ये नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए कि वो प्रिडिक्ट कर रहा हो कि मेरी डेथ इतने बजे हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब उसका विल और जो उसका इंटेलेक्ट है वो दोनों अच्छे से फंक्शन स्टेट में होने चाहिए, उसे ये हेलुसिनेशन नहीं दिखने चाहिए कि उसके कमरे में कोई भूत है, ये सारी चीजें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनली हमें एज ए होल ठीक करना है, क्या लिखा, होल ऑफ द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम, जो भी परसेप्टल साइन एंड सिम्टम है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम नहीं, उसके मेंटल सिम्टम भी हमें ठीक करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसका पहला फुटनोट है वो उसी के बारे में है कि जब हम क्योर करेंगे, होल ऑफ द साइन एंड सिम्टम हटा रहे होंगे, तो ऐसे केस में कोई वार्निंग ड्रीम नहीं आने चाहिए। मतलब जैसे हमने किसी को दवा दी, पेशेंट के भले फिजिकल सिम्टम ठीक हो जाए, वो हमारे पास कंप्लेन लेकर आए हो हेडेक की, बट हमारी दवा के बाद उसका हेडेक ठीक हो जाए, बट उसके बाद उसे रात में वो चौक कर उठ जाता है, ठीक है, और उसे ड्रीम ऐसे आ रहे हैं जैसे उसे कोई मार रहा हो या फिर खुद का ही मार रहा हो, तो ये सब ड्रीम कैसे हैं, वार्निंग ड्रीम है, तो ये सारे ड्रीम भी ठीक होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम नहीं ठीक होने चाहिए। तो क्योर एज ए होल क्या होगा, बोथ फिजिकल एंड मेंटल होना चाहिए। तो सोल एम ऑफ द फिजिशियन देखो क्या लिखा था, डिजीज इज एनिहिलेटेड देन हेल्थ इज रिस्टोर, सिर्फ डिजीज एनिहिलेशन के साथ में हेल्थ का होल रिस्टोरेशन होना चाहिए। और हेल्थ के हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, फिजिकल मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, फिजिकल भी ठीक हो, मेंटल भी ठीक हो, और मेंटल ठीक होने का मतलब ये सारे प्रोसेस उसके अंदर आएंगे, ये नहीं हमारी दवा का पेशेंट कैसा हो जाए, वायलेंट हो जाए। तो पढ़ते हैं जो पहला फुटनोट था किसके बारे में था, द होल ऑफ द डिजीज इज एट द सेम टाइम रिमूव। तो देखो पहले फुटनोट में क्या लिखा है, ए वार्निंग ड्रीम, एक ऐसा सपना जो कि क्या हो, वार्न करने वाला हो, मतलब जिसके अंदर वहम है, हेलुसिनेशन वाले ड्रीम, जो कि ऐसे ड्रीम है जो कि क्या तुम्हें आगाह करें, कॉमा ए सुपरस्टिशियस फैंसी, सुपरस्टिशियस फैंसी का मतलब हुआ कोई वहम होना, जिसे हम लोग सिंपली क्या डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ये सारे उसमें पढ़ते हैं कि कोई सुपरस्टिशियस फैंसी होना, और ए
सलमन प्रेडिक्शन दैट वुड अकर एट ए सर्टेन डे और एट ए सर्टेन आवर, या फिर वो प्रिडिक्ट करे। सोलेमन प्रेडिक्शन, सोलेमन का क्या मतलब हुआ, एक ग्रीवियस जो कि क्या हो, बहुत खतरनाक हो, ग्रीवियस डिजीज हो, ग्रीवियस प्रेडिक्शन करे कि क्या डेथ विच अकर एट ए सर्टेन डे, कुछ सर्टेन डे पे मेरी डेथ हो जाएगी और ए सर्टेन आवर या कुछ घंटे बाद मेरी डेथ हो जाएगी, हैज नॉट अनफ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस्ड। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, अनफ्रिक्वेंटली मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब जो बार बार ना हो। नॉट इनफ्रिक्वेंटली का मतलब जो बार बार हो, यानी मैं सर उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, अगर नॉट और अन को हटा दिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे हैज फ्रिक्वेंटली हैपन, मतलब जैसा कि फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस ऑल द साइन ऑफ कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज, ये भी जो भी वार्निंग ड्रीम है, ये जो सुपरस्टिशियस फैंसी है, या फिर ये जो ग्रीवियस प्रेडिक्शन कर रहा है पेशेंट कि मेरी डेथ इतने घंटे बाद हो जाएगी, इस दिन बाद हो जाएगी, हैज फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस्ड ऑल द साइन एंड कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज, ये जो सारे साइन हैं ये क्या है, ये बता रहे हैं कि डिजीज आने वाली है, कमेंसिंग आ चुकी है, एंड इंक्रीजिंग डिजीज या फिर डिजीज अभी भी बढ़ रही है, कॉमा ऑफ अप्रोचिंग डेथ एंड डेथ इटसेल्फ एट द आवर अनाउंस व्हिच कुड नॉट हैपन विदाउट द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ द इनवर्ड चेंज। ये सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस हो सकता, ये जो वार्निंग ड्रीम है, ये सारी चीजें हैं, ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल चेंज, ये जो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल एनर्जी का जो इंटरनल चेंज हुआ है, डिरेंजमेंट हुआ है, इसकी वजह से ही आ रही है। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑब्जर्व एक्सटर्नली, और साथ में हमें किस चीज का ध्यान देना है, जो एक्सटर्नल सिम्टम है, सेमी कॉलम, एंड हेंस इन सच केसेस, तो ऐसे जो केस होते हैं, कैसे केसेस, जहां पे वार्निंग ड्रीम आ रही हो, जहां पे डिल्यूजन हेलुसिनेशन इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो, या फिर कोई ग्रीवियस प्रेडिक्शन कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में ऑल द मॉर्बिड साइन इंडिकेटिव ऑफ अप्रोचिंग डेथ, ये सारे जो साइन हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता कर रहे हैं कि डिजीज अप्रोच होने वाली, डिजीज आ रही है, टू ए बिलीफ इन कॉन्ट्रेरी, सॉरी हैज फ्रिक्वेंटली बीन डिसिपेटेड बाय एन आइडेंटिटिकल कॉज, और ये जितने भी अप्रोचिंग डेथ वाले साइन हैं, इन्हें क्या करना है, फ्रिक्वेंटली मतलब हम जल्दी क्या करेंगे, डिसिपेटेड, उसे क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, बाय आइडेंटिकल कॉज, सेम कॉज से, तो सेम कॉज का क्या मतलब हुआ, हमारी मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो सेम डिल्यूजन पैदा करे या सेम ड्रीम पैदा करे, ठीक है, तो हम सेम ड्रीम के थ्रू सेम मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन देंगे जो कि सेम ड्रीम पैदा कर रही हो, सेम इल्यूजन पैदा कर रही हो, सेम डिल्यूजन पैदा कर रही हो, तो उसके थ्रू उसके जो थॉट प्रोसेस है, विल और इंटेलेक्ट है, जो वो प्रिडिक्ट कर रहा है, उसे क्या करेंगे, डिसिपेटेड करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, बाय सम कनिंग डिसेप्शन, या फिर हम उसे कोई धोखा देंगे, धोखा देना क्या मतलब हुआ, जैसे कोई कर रहा है ये मुझे मार देंगे, ठीक है, या मैं उन्हें मार दूंगा, जैसे हम लोग मंजुलिका वाली मूवी नहीं देखे थे, पहले पाठेरा जो पहली पार्ट थी उसमें क्या एक कनिंग डिसेप्शन ही था, जहाँ पे मंजुलिका मारती है तलवार से, क्या वहां पे वो रियल मार देती, नहीं, तो उसको मॉरल रेमेडी की तरह हम लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक डिसेप्शन था, धोखा देकर पेशेंट को ठीक करना हो गया। और परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है समझाना, या फिर उसे समझा बजा कर बातें करेंगे कि परसुएशन टू ए बिलीफ इन कॉन्ट्रेरी, जो उसका बिलीफ है उसके कॉन्ट्रेरी में हम उसे समझाएंगे, बताएंगे, जैसे कोई ये कह दे कि मुझे अपनी फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, पेशेंट को समझाना है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें फैमिली से लेना देना होना चाहिए, वो सारे थॉट प्रोसेस को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड हेल्थ सडनली रिस्टोर, और इस तरीके से हेल्थ का रिस्टोरेशन होगा, तो हम सिर्फ पेशेंट के साइन और फिजिकल साइन और सिम्टम को रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको एज ए होल ट्रीट करेंगे, उसके मेंटल सिम्टम को भी ठीक करेंगे, विच कुड नॉट हैपेंड विदाउट द रिमूवल बाई अ मीन ऑफ दिस मॉरल रेमेडी, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम मॉरल रेमेडी को ना दें, क्या लिखा है, Which could not have happened,
ये तब तक नहीं हो सकता विदाउट द रिमूवल, जब तक हम इसे रिमूव ना करें बाय अ मीन ऑफ दिस मॉरल रेमेडी, इस मॉरल रेमेडी के थ्रू, ठीक है, ऑफ द इंटरनल, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंजेस दैट थ्रेटन, जो कि एक्सटर्नल और जो इंटरनल मॉर्बिड चेंजेस थे जो कि डेथ की तरफ ले जा रहे थे, इन सबको अगर हमें ठीक करना हो तो हमें मॉरल रेमेडी देनी होगी। और मॉरल रेमेडी कैसी होगी, हम उसे डिसेप्शन करेंगे, कनिंग डिसेप्शन करेंगे, उसे समझाएंगे बुझाएंगे, या फिर सेम कॉज से ठीक करेंगे। देखो क्या लिखा था, आइडेंटिकल कॉज से ठीक करेंगे। तो आइडेंटिकल कॉज से क्या मतलब हुआ, हमारी मेडिसिन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सेम ग्रीवियस प्रिडक्शन प्रोड्यूस करता हो, जो सेम सुपरस्टिशियस फैंसी प्रोड्यूस करता हो और सेम वायलेंट ड्रीम प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। तो सोल एम ऑफ द फिजिशियन क्या था, जो पहली लाइन क्या लिखी है, क्योर इफेक्टेड बाय रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्पटम, होल वर्ड लिखा गया है, ठीक है। अगर हम एज ए होल ठीक कर रहे हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, तो हमें ये भी ठीक करना है, और इसको ठीक करने के लिए मॉरल रेमेडी हम देंगे। तो एफोरिज्म 7 में हम लोग 17 में तीन चीजें पढ़ते हैं, सोल एम ऑफ द फिजिशियन क्या होता है, मॉरल रेमेडी क्या होती है, और तीसरी पॉइंट कि नेचर हमें गाइड करती है पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो हमारा एफोरिज्म 17 का सेकंड फुटनोट है, जो कि क्या देखो क्या लिखा है, Consequently, the disease itself, totality of symptom, the disease itself, इसका footnote. तो इसका footnote है क्या? पहले पढ़ लेते हैं, फिर reading लगाते हैं, मतलब समझ लेते हैं, तब पढ़ते हैं। तो इसका footnote कहता है, हनीमान सर कहते हैं कि ये जो nature है, ये जो natural energy है, जिसे हम God कहते हैं, सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, ये इसने ऐसा arrangement किया है हमारी body का कि वो sign और symptom produce करेगी ही करेगी, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं एफोरिज्म 14 में, कि ये जो साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो रही है, अगर क्यूरेबल डिजीज है, साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो रही है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही इतना परफेक्ट है, और ये परफेक्ट अरेंजमेंट किया किसने, ये नेचर ने किया, गॉड ने किया, एनर्जी ने किया किसी। तो ये जो साइन सिम्टम परसीव कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ठीक करने वाले हैं, अल्टीमेटली इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये नेचर है। तो जो भी पेशेंट के साइन सिम्टम है, हमें इसी बेसिस पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनानी है और इसी बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो जैसा एलोपैथ फिजिशियन कहते हैं कि ये जो डिजीज हुई, ये कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर अभी भी मटेरियल है, तो मतलब हमारी बॉडी इस तरीके से क्या हो जाएगी, एक इम्परफेक्ट हो जाएगी। अगर ये इम्परफेक्ट हो गई, तो मतलब ये जो नेचुरल नेचर है, ये जो कोई एनर्जी है जो हमारी बॉडी परफेक्ट फॉर्म में रखी थी, वो क्या हुआ, वो अब वहाँ पे उसकी गुडनेस नहीं रही, उसकी अच्छाई नहीं रही, मतलब ये जो भगवान जिसे हम कह सकते हैं, या फिर ये जो नेचुरल डिजीज है, हमारी बॉडी में एक मैनकाइंड को, मानवता को, ये जो हम लोग हैं, इतना परफेक्ट अरेंजमेंट किया है कि वो साइन सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, ये उस एनर्जी का क्या है, एक तरीके से गुडनेस है। अगर वो डिजीज एक मटेरियल फॉर्म में होगी, अगर वो डिजीज बॉडी के अंदर ऐसा अरेंजमेंट किया होता उस एनर्जी ने, नेचुरल एनर्जी जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी को इतना परफेक्टली अरेंज किया था कि वो साइंस ने प्रोड्यूस कर रही है, अगर ये नेचुरल एनर्जी के अंदर अच्छाई ना होती, तो डिजीज को वो छिपा कर रखती, और डिजीज को छिपा कर रखती तो हम कभी ठीक ही ना कर पाते। मतलब जो भी हम क्योर कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, गुडनेस ऑफ द नेचर। यही चीज पढ़ेंगे एफोरिज्म 17 का सेकंड फुटनोट, जो कि क्या है, इट इज ओनली दस दैट गॉड, ये जो है भगवान कॉमा द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, जो कि प्रिजर्वर है किसके, मानवता के, मानवता के प्रिजर्वर है। तो एफोरिज्म जो हम लोग 4 पढ़ते हैं ना, ही इज लाइक वाइज ए प्रिजर्वर ऑफ, तो फिजिशियन प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के जैसा है, ना कि क्या है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है। तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है कौन, वो क्या है, द गॉड, द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, वो जो एनर्जी है, हम जिसे नहीं समझ सकते बट वो एनर्जी है, कुड रिवील हिज विजडम एंड गुडनेस इन रेफरेंस टू द क्योर ऑफ डिजीज, वो रिवील करते हैं खुद की विजडम को और अपनी गुडनेस को, अच्छाई को, इन रेफरेंस टू द क्योर ऑफ डिजीज, डिजीज की क्योर करने के रिस्पेक्ट में, वो जो एनर्जी है
खुद को क्या करती है, रिवील करती है, कैसे? टू द मैन इज लाइबर हियर बिलो बाई सोइंग द फिजिशियन, कि वो फिजिशियन को सो करते हैं वाट ही हैज टू रिमूव इन डिजीज, कि फिजिशियन को डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है। तो ये रिवील कौन कर रहा है? वो गॉड कर रहा है, वो प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड कर रहा है, वो एनर्जी कर रहा है अपने गुडनेस को, अपने गुडनेस के थ्रू। किस रेस्पेक्ट में? डिजीज को क्योर करने के रेस्पेक्ट में वो अपनी अच्छाई कैसे दिखा रहे हैं? कि वो फिजिशियन को रास्ता दिखाते हैं, क्या कि फिजिशियन व्हाट ही हैज टू रिमूव इन डिजीज, फिजिशियन को बताते हैं कि डिजीज के अंदर उसे ठीक क्या करना है, इन ऑर्डर ताकि क्या किया जा सके, टू एनिहिलेट देम, उसे ठीक किया जा सके, पूरी तरह से खत्म किया जा सके। किस चीज को? वो जो डायनेमिक डिरेंजमेंट हुआ है वाइटल एनर्जी का, एंड दस, और इस तरीके से रीस्टैब्लिश हेल्थ, हेल्थ को रिस्टोर करें। ये कौन कर रहा है? प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, ये जो एनर्जी है वो फिजिशियन को रास्ता दिखाती है, किसके थ्रू? साइन एंड सिम्टम के थ्रू। तो मतलब ये जो साइन सिम्टम है, ये साइन सिम्टम क्या है? ये डिजीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मानते हैं डिजीज अभी भी बॉडी के अंदर छिपी हुई है, वो कुछ ना कुछ है मटेरियल जो कि बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से डिजीज हुई, वो डायनेमिक डिरेंजमेंट को नहीं मानते। उसके लिए आगे रेफरेंस में देखो क्या लिखा है, बट व्हाट वुड वी थिंक ऑफ हिज विजडम एंड गुडनेस इफ ही हैज द शाउडर्ड इन मिस्टीरियस ऑब्सक्यूरिटी, बट वो जो गॉड की विजडम है, जो गुडनेस है, इफ ही है शाउडेड, Shrouded का मतलब होता है धोखा देना, डिसेप्शन करना, अगर वो धोखा दे इन मिस्टीरियस ऑब्सक्यूरिटी, मिस्टीरियस मतलब जिसे हम आसानी से ना समझ सकें, और ऑब्सक्यूरिटी का मतलब वो छिपा देना, मतलब वो जो प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड है, अगर वो डिसेप्शन करे, धोखा दे, कैसे? डिजीज को छिपा कर, साइन और सिम्टम को छिपा कर, वो अगर धोखा करें तो क्या होगा? That which was to be cured in disease, कि डिजीज के अंदर हमें ठीक क्या करना है, अगर वो प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड हमें बताएगी ना तो क्या होगा? And set it up in hidden interior, और जो डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है उसे क्या कर दें? सट कर दें, बंद कर दें, किसमें? इन द हिडन इंटीरियर, बॉडी के अंदर छिपा दें कि हमें ठीक क्या करना है, and thus rendered it impossible for man. तो ये एक man के लिए impossible task हो जाएगा, ये उसे रोक देगा, किस चीज में? To know the malady accurately, कि उस patient की सही दवा क्या है, and consequently, और परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? Impossible for him to cure it, कि उसे ठीक कैसे करना है किसी को, अगर क्या करें? ये जो preserver of mankind है, क्या कर दें? धोखे से shrouded द मिस्टीरियस ऑब्सक्यूरिटी, वो छिपा दें हमारे बॉडी के अंदर धोखे से कि ठीक क्या करना है, मतलब साइन और सिम्टम जो है, अगर वो प्रिजर्वर ऑफ जो मैनकाइंड वो छिपा दें तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे हमें ठीक क्या करना है। बट एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या करता है? वो एग्जैक्ट अपोजिट बोलता है, ये जो डिजीज अभी भी बॉडी के अंदर छिपी हुई है, तो वो चीज ब्रैकेट में लिखी है क्या? एज इज असर्टेड बाय द डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन विच ये जो डोमिनेंट स्कूल के लोग हैं वो कहते हैं कुछ सुपर नेचुरल इंसाइट है, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर है इंटरनल नेचर ऑफ थिंग जो कि छिपी हुई है, जिसकी वजह से डिजीज पैदा हुई है। मतलब वो एक तरीके से कह रहे हैं ये जो प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड है, ये जो गॉड है, वो छिपा रखे हैं कॉज ऑफ डिजीज को बॉडी के अंदर। बट हनीमैन से कहते हैं ऐसा नहीं है, ये जो गुडनेस है, ये प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, ये जो गॉड है, ये इनकी गुडनेस है कि वो क्या कर रहे हैं डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है, इस पे रिस्पेक्ट में वो कैसे करते हैं, साइन और सिम्टम के थ्रू हमें दिखाते हैं फिजिशियन को कि उसे ठीक क्या करना है। फिजिशियन को रास्ता कौन दिखाता है? एक प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, ये जो गॉड है, वो दिखा रहे हैं फिजिशियन को ठीक क्या करना है। ठीक है, तो एफोरिज्म 17 का सेकंड फुटनोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफोरिज्म 17 में हम तीन चीजें मेन पढ़ते हैं, पहला व्हाट इज सोल एम ऑफ द फिजिशियन, सेकंड मॉरल रेमेडी क्या होती है। तो सोल एम ऑफ द फिजिशियन क्या है? होलिस्टिक साइन एंड सिम्टम रिमूव करना है एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ।
अगर हम होलिस्टिक की बात करेंगे तो हम उसके ड्रीम की भी बात करेंगे, हम उसके सुपरस्टिशियस फैंसी की भी बात करेंगे, हम उसके ग्रीवियस प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे, उसे ठीक कैसे करना है, ये मॉरल रेमेडी के थ्रू हमें ठीक करना है। एंड इसका जो सेकंड फुटनोट है वो हमें क्या बताता है कि ये जो प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड है वो एक फिजिशियन को क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो बताते हैं साइन और सिम्टम के थ्रू कि पेशेंट के अंदर ठीक क्या करना है। तो वर्जन 17 इतना।